नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी YouTube फैमिली को। एंड जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इंडिया में इस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इस त्यौहार की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। और इस दिन जो है वो व्रत भी काफ़ी ज़्यादा लोग व्रत वगैरह भी रखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जो है वो संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि, पितृदोष, ये सभी अन्य समस्याओं का समाधान है इस व्रत को रखने से। और ये वरदान माना जाता है ये व्रत इन चीज़ों के लिए, इन बातों के लिए एंड हिंदू कथाओं के अनुसार। और बाकी यार जहाँ पे आज आपको मैं लेके जाने वाला हूँ तो मैं बता दूँ आपको, वो हिमाचल के यानी राधा कृष्ण के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और कांगड़ा का भी सबसे बड़ा मंदिर है ये राधा कृष्ण का, जो कि है बाबा बड़ो में। और कितनी दूर है, क्या है, वो सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, यानी रोड कहाँ कहाँ से जाता है, कहाँ से आप जा सकते हो। और बाकी उस मंदिर को पास जाके आपको मैं वहाँ ले जाके उसके बारे में भी बताऊँगा पूरा, तो इसलिए वीडियो में साथ बने रहें। इस मंदिर की दूरी कांगड़ा से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। और ये जो रोड अभी आप देख रहे हो, ये जाता है दौलतपुर, दौलतपुर से आगे कंडी रोड आएगा और भैया कंडी रोड होके जाएंगे आप, तो यहाँ से आपको लगभग ये मंदिर, बाबा बड़ो मंदिर, लगभग 22 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और जो सेकेंड रोड जाता है वो जाता है नगरोटा से, और ये है बड़ो रोड नगरोटा से, यानी हार्डली 2 से 3 किलोमीटर कांगड़ा की तरफ आओगे आप तो, और यहाँ से दूरी रहेगी 13 किलोमीटर। और ये दोनों रोड सुन्नी में आके यहाँ पे दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ से आगे आप जाओगे तो आगे यहाँ बड़ो, ये यहाँ का लोकल बस स्टॉप है जो कि जेएस वाली द्वारा बनवाया गया था। और इस बस स्टैंड से उस मंदिर की दूरी लगभग 80 मीटर दूर है, यानी लगभग 80 मीटर है। और अभी हम पहुँच चुके हैं बड़ो टेंपल, तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ और यहाँ के दर्शन करवाता हूँ। यह मंदिर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे था, इसी कारण इसे बाबा बड़ो के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर भगवान शिव और राधा कृष्ण को समर्पित है। और इस मंदिर में आपको एक साइड भगवान शिव, साईं बाबा और हनुमान जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, और दूसरी तरफ 2 मंजिला आपको मंदिर देखने को मिलेगा, जिसमें नीचे राधा कृष्ण जी की और ऊपर माता दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित की गई है। बाबा बड़ो मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके सुंदर प्रवेश द्वार और आश्चर्यजनक सुंदर संगमरमर की मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के किसी भी मंदिर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सफ़ेद संगमरमर की सबसे बड़ी मात्रा के लिए लोकप्रिय है, क्योंकि इस मंदिर में संगमरमर अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। और इस मंदिर की वास्तुकला आधुनिक और प्राचीन दक्षिण भारत के डिज़ाइन का मिश्रण है, शानदार वास्तुकला देखने लायक है यहाँ की। जन्माष्टमी में यह मंदिर कुछ इस तरह सजाया जाता है, परंतु अभी कोविड के चलते इस मंदिर में इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है और सरकार की गाइडलाइन को माना गया है और ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, परंतु भक्तजन काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं और राधा कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको भगवान राधा कृष्ण जी की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी।
ठीक सामने यहाँ पे भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी की प्रतिमाएं भी रखी गई हैं, और यहाँ पे अंदर आपको एक अद्भुत कलाकारी देखने को भी मिलेगी जो कि संगमरमर के पत्थरों के ऊपर की गई है। जैसे ही आप दूसरी मंजिल की तरफ जाएंगे तो बीच में आपको कुछ ऐसे नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि दौलादार रेंज के अद्भुत दृश्य को दिखाता है। और ये दूसरी मंजिल पर आपको एक अद्भुत झूमर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ही आकर्षित करता है अपनी ओर। और यहाँ पे दुर्गा माता जी का टेंपल है दूसरी मंजिल में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको राधा कृष्ण का मंदिर दिखा दिया जो कि बाबा बड़ो में है, और इसके बारे में सारा बता भी दिया है। एंड आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो फिर जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।